नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा में महिला सुरक्षा का मुद्दा शुरू से ही बेहद अहम रहा है। प्रदेश में महिलाओं की दयनीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में बेटियों और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए हाल ही में कुछ ठोस कदम भी उठाए, लेकिन क्या उस ठोस कदम से प्रदेश की मानसिकता में बदलाव आएगा? क्योंकि बहादुरगढ़ से सामने एक ऐसा मामला आया है जिसने इस पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया है। आखिर प्रदेश में कितनी सुरक्षित है महिला? पानीपत में पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पूरे देश में शपथ तो दिला दी, लेकिन क्या वाकई में इस योजना से लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा? बहादुरगढ़ से सामने आए वाकये ने ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लौट रही आशा वर्कर्स रोडवेज कर्मचारियों की बदसलूकी का शिकार हुई है। रोडवेज कर्मचारियों पर आशा वर्कर्स से बदसलूकी और मारपीट का आरोप है। पीड़िता के मुताबिक ड्राइवर और कंडक्टर ने बस में चढ़ते ही उन पर फब्तियां कसनी शुरू कर दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने अपनी पत्नी और बेटी को बुलाकर उनकी बहादुरगढ़ में पिटाई कर दी। महिलाओं की सुरक्षा के दावे की पोल तो तब खुली जब पीड़ित महिलाओं को महिला हेल्पलाइन और पुलिस हेल्पलाइन पर दर्जनों कॉल्स करने के बाद भी मदद नहीं मिली। इतना ही नहीं, करीब 100 किलोमीटर लंबे सफर तक पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम ढूंढने से भी नजर नहीं आए। बहादुरगढ़ में भी पुलिस अपनी छवि के मुताबिक वारदात के बाद पहुंची। हालांकि उस वक्त पुलिस चाहती तो आरोपियों को पकड़ सकती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भागकर पकड़ना मुनासिब नहीं समझा और अब पुलिस महकमा जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। नाम की लेडीज है, आंगनवाड़ी वर्कर, और ये अपने 3-4 साथी आंगनवाड़ी वर्कर उनके साथ रैली से आ रही थी, तो उनके साथ मारपीट वगैरह हुई। इनका बयान लिख लिया गया है, जांच चल रही है, जो सच्चाई पाई जाएगी उसकी कार्रवाई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये नई मुहिम रंग लाएगी? बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिर कब तक जो महिलाएं हैं वो प्रदेश में असुरक्षित रहेंगी। क्योंकि अगर इस पूरे वाक्या की बात की जाए तो पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शपथ दिला रहे थे तमाम लोगों को, और ये भी लोग वहां पर शामिल थे, लेकिन जब वहां से चले बहादुरगढ़ इन्हें पहुंचना था, बीच का जो रास्ता तकरीबन 100 किलोमीटर का, और 100 किलोमीटर में जितनी जो स्थिति इन महिलाओं की रही शायद इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ हमारे साथ फोनलाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो लगभग 100 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पार हो जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जाकर जो पुलिस प्रशासन है वो थोड़ा सक्रियता दिखाता है, गिरफ्तारी करता है और ये कहता है कि मामले की जांच की जा रही है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुकुल, अभी इसी मामले में एक अपडेट आई है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी करी है और उनके साथ मारपीट भी करी और करवाई भी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनकी जो मुख्य आरोपी है उसकी पत्नी और बेटियों को गिरफ्तार करना अभी बाकी है। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी और कुछ गिरफ्तारियां होंगी इस मामले की अगर बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहां मानसिकता पर उठता है। और जिस तरीके से अगर अब बात की जाए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पानीपत पहुंचे, शपथ उन्होंने दिलाई, ये लोग भी वहीं शामिल थे, मानसिकता परिवर्तन की बात वहां भी कही गई थी, लेकिन सवाल यहां पर सुरक्षा का लेकर उठता है, क्योंकि 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना कोई ये नहीं कि महज चंद मिनटों में पार हो जाएगा। सुरक्षा की अगर बात की जाए, ना तो पुलिस सुरक्षा ना महिला सुरक्षा, तमाम जो हेल्पलाइन है उनसे भी कोई यहां पर कार्रवाई की बात नहीं हुई इन महिलाओं के लिए। बिल्कुल मुगल, महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस के तमाम दावे हैं, लेकिन उन दावों की कलाई तो आज खुल ही गई है। जहां तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है तो बेटियों की सुरक्षा भी सबसे अहम है, तभी बेटियों को बचाया जाएगा और तभी बेटियों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ सुरक्षा के नाम पर जो आशा वर्कर्स थे उनके साथ ही बड़ी बदतमीजी हुई है, छेड़खानी हुई है, उनको फब्तियां कसी गई है, और जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो घर की महिलाओं को बुलाकर उनके साथ मिलकर उनकी पिटाई भी हुई है। इससे जो आशा वर्कर है उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया है, और इनका मनोबल इसलिए भी टूटा है क्योंकि उन्होंने पुलिस महिला हेल्पलाइन और पुलिस हेल्पलाइन पर भी लगातार फोन किए। पानीपत से बहादुरगढ़ तक तकरीबन 100 किलोमीटर का रन है, लेकिन इस रन के दौरान कोई उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं मिली, पुलिस हेल्प नहीं मिली,
पुलिस ये कहती रही कि नाके लगा दिया गया और हम इनको मौके पर पकड़ के उनको आप सुरक्षित घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन पूरे रास्ते के दरमियान कहीं पुलिस नहीं मिली। पुलिस आई भी तो गोरैया पेट्रोल पंप पर, उस वक्त उनकी जब पिटाई हो चुकी थी और आरोपी भाग रहे थे, पुलिस की आंखों के सामने आरोपियों के भागने के आरोप है, लेकिन पुलिस ने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया। अब जब मामला बड़ा होता जा रहा है, मीडिया में मामला आ गया है, तो पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। बिल्कुल प्रवीण, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच भादोगढ़ से विधायक नरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, ना तो महिला हेल्पलाइन का नंबर लगा, ना ही पुलिस ने इतनी सक्रियता दिखाई कि ना महिलाओं, अगर ये महिलाएं बार बार कॉल कर रही हैं तो कम से कम इनकी स्थिति तो देखी जाए, आखिर किस स्थिति में है ये महिलाएं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार संकल्पबद्ध है जी, और किसी ने भी अगर कोई ऐसी हरकत की है तो कानून अपना काम करेगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नरेश जी, जो स्थिति से ये महिलाएं निकल कर आई हैं, 100 किलोमीटर का रास्ता पानीपत से भादुरगढ़ तक ये पहुंची, और ऐसा नहीं कि चंद मिनटों में ये दूरी पार हो गई, बीच में महिला हेल्पलाइन का भी नंबर मिलाया गया, पुलिस का भी मिलाया गया, यहाँ पर आश्वासन तो दे दिया गया कि हाँ पहुंच रहे, नाकेबंदी की जा रही है, लेकिन 100 किलोमीटर के रास्ते में एक भी जगह पुलिस ने आकर इस बस को नहीं रोका, महिलाओं का हाल नहीं जाना। देखिए, अगर कोई अधिकारी भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं, किसी बहन ने मेरे को ये बात नहीं बताई, ना मेरे संज्ञान में है जी। मैं रात को काफी लेट आया था, और अगर कोई ऐसी बात है तो कोई भी बहन अगर जो शिकायत करेगी, किसी भी अधिकारी का अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी जो है सरकार अपना काम करेगी। बिल्कुल नरेश जी, आप कह रहे हैं कि शिकायत पर कार्रवाई होगी, लेकिन जब अगर कोई शिकायत ही ना सुने पुलिस महकमा, क्योंकि जो महिलाएं हैं सीधा आपको आपसे शायद संपर्क नहीं कर सकती, उस स्थिति में महिला हेल्पलाइन जो जारी की जाती है उस पर उन्होंने नंबर मिलाया, पुलिस को उन्होंने सूचित किया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब जाकर गिरफ्तारियां हुई हैं जी। नहीं, ऐसा अगर जो कोई है किसी सरकारी कर्मचारी के या पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कोई महिला अगर जो लिख कर देती तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल नरेश जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सवाल यहाँ लगातार बना हुआ है कि प्रदेश में महिलाएं जो हैं वो कितनी सुरक्षित हैं? नहीं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कन्या भ्रूण हत्या के लिए जो प्रोग्राम कल हरियाणा प्रदेश से शुरू किया जी, उससे पूरे देश में एक संदेश गया है और लोगों ने संकल्प लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश जारी किए उसको आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश आज जो है लाइन में खड़ा है और सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग था। काफी महिलाएं वहां पर गई हुई थी, लाखों की संख्या में महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, सभी वहां मौजूद थी और सभी ने क्या ये जो संदेश था ये प्रदेश के, आप बात कर रहे हैं कि पूरे देश भर में दिया गया, लेकिन क्या ये संदेश प्रदेशवासियों को समझ में नहीं आता, उस बस चालक और बस कंडक्टर को समझ में नहीं आया जिन्होंने इन महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उसके बाद सबको सोचना पड़ेगा। जब तक हर आदमी नहीं सोचेगा, हर आदमी ये सोचेगा कि भी मेरी भी कोई बहन है, मेरी भी कोई माँ है जी, मेरी भी कोई बुआ है, जब तक हर आदमी ये नहीं सोच लेगा कि हर सिस्टर, हर औरत हमारी बहन है, हर औरत हमारी माँ है। बिल्कुल नरेश, लेकिन अब पूरा मामला आपके सामने आ चुका है, किस तरह की आपकी ओर से हम यहाँ बात की जाए कि कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई करेंगे जी, कोई भी ऐसा दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भादुरगढ़ के विधायक है नरेश कौशिक जी, उनका यही कहना कि कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता रविभान जी भी यहाँ जुड़े हुए हैं। रविभान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। रवि जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी। रवि जी, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरह का वाकया बहादुरगढ़ से सामने आया, एक घटना जहां पर कहीं ना कहीं पानीपत से जो आशा वर्कर हैं वो चली थी बहादुरगढ़ के लिए, लेकिन बीच रास्ते में इन महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, और अगर देखा जाए जो शुरुआत हुई इस कार्यक्रम की, पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ दिलाई थी जहां पर, और कहीं ना कहीं ये इस बात, ये भी बात कही थी कि मानसिकता में बदलाव लाना है, एक संदेश दिया था देशव्यापी, लेकिन वो संदेश देश तो क्या जो प्रदेश के लोग हैं वही नहीं समझ पा रहे। हेलो जी रवि जी। हाँ, एक तो ये जो कल घटना हुई है ना, मैं इसकी निंदा करता हूँ जी। एक तरफ देखो ना, हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, देश की आधी आबादी महिलाओं की है, और उनको अगर बाहर सुरक्षा नहीं मिलेगी, घर भी सुरक्षा उनके लिए जरूरी है, बाहर की सुरक्षा भी जरूरी है जी। तो ये घटना जो हुई है, इस
घटना से ये लगता है कि लोगों की मानसिकता जो है ना अभी बदली नहीं है, और समय लगेगा। बिल्कुल रवि जी, आपने बोला कि निंदनीय घटना है, जांच की जा रही है, कार्रवाई भी होगी, लेकिन अगर देखा जाए 100 किलोमीटर का रास्ता इन महिलाओं ने तय किया, पानीपत से भादुरगढ़ तक ये पहुंची, और इस बीच महिला हेल्पलाइन का जो नंबर है उस पर भी इन्होंने कई बार कॉल की, पुलिस को भी इत्तला दी, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो बस है इनको नहीं रोका गया। जी मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि समय के साथ आदमी का व्यक्तित्व भी बदलेगा। अब जो ये जो शुरुआत हुई है बदलाव की, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जो ये बदलाव की शुरुआत हुई है, ये शुरुआत जो इतनी आगे तक जाएगी कि हमारे देश में भी महिलाओं का वही दर्जा होगा जो यूरोपियन कंट्रियों में बराबर का दर्जा है। रवि जी, बदलाव तो होगा, लेकिन जो सिस्टम है, जो हेल्पलाइन यहाँ महिलाओं के लिए बनाई गई है, उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो पुलिस है वो कोई कार्रवाई नहीं करती, उसका क्या, उसमें कब बदलाव आएगा? वो मैं इसका कारण मैंने बताया ना कि ये बदलाव शुरू हुआ है, इसमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, इसमें अधिकारियों को भी, पुलिस के अधिकारियों को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, और हमारे जो सीएम साहब है वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने रही है, कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति जी, रवि भांजी को आपने सुना होगा, इनका ये कहना कि मानसिकता जो है वो अधिकारियों को भी बदलेगी और शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कब तक आखिर महिलाएं प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती रहेंगी? देखिए कल जो इतना भारी ड्रामा किया गया पानीपत में, और कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, जी हमारी जो शुरू की हुई जो स्कीमें थी, हमारी जो शुरू की हुई बालिका समृद्धि योजना जो हमने 1994-95 में शुरू की थी, जी उसी का नाम बदलकर सुकन्या समृद्धि योजना बना दिया। बिल्कुल कृष्णमूर्ति जी, लेकिन जो योजनाएं हैं वो तो चलाई गई, लेकिन हमारा जो हमारा सवाल है वो ये, क्योंकि महिला सुरक्षा जो है उसकी शपथ दिलाई गई थी, मानसिकता बदलने की बात कही थी खुद प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसी प्रदेश में जो लापरवाही है वो देखने को मिलती है, महिलाएं लगातार परेशान होती रही बस में, लेकिन कोई भी उनको किसी तरह की जो सुरक्षा है वो मुहैया नहीं कराई गई। मैं कहता हूं जब तक अनुभवी सरकार रहेगी जी, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक नहीं लग पाएगी, या किसी को पता ही नहीं कि मेरी ड्यूटी क्या है जी, किसी मंत्री को नहीं पता, मुख्यमंत्री को नहीं पता, मंत्रियों को आज मंत्री जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। कृष्णमूर्ति जी, लेकिन अधिकारियों से तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, सरकार हो सकता है आप कह रहे हैं कि अनुभवहीन है, लेकिन अधिकारियों को अनुभवहीन नहीं कहा जा सकता। नहीं, अधिकारी तो अब अधिकारियों को इनकी पकड़ नहीं है जी, अधिकारियों पे इस मौजूदा सरकार की, नहीं तो पहला साल होता जिस समय सरकार का, उस समय जबरदस्त पकड़ होती थी जी, लेकिन आज सरकार की कोई पकड़ नहीं अधिकारियों पे। बिल्कुल कृष्णमूर्ति जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, रवि भांजी भी जुड़े हुए हैं। रवि भांजी, कितने सहमत आप कृष्णमूर्ति जी से, क्या यही वजह है कि अधिकारी जो हैं उन पर किसी तरह की कोई लगाम नहीं है? देखिए ये पूर्व मंत्री हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे इलाके के, मैं तो यही कहूंगा कि जो पिछली सरकार थी हुड्डा साहब की, उसमें अधिकारी बेलगाम हो गए थे, कोई कुछ भी करे उनका ये मतलब भ्रष्टाचार पनपा, उसमें क्राइम भी बढ़ा। अब हम धीरे धीरे मामले को दुरुस्त करने लग रहे हैं, और ये तो विपक्ष का काम है छींटाकशी करना, सरकार पर हमेशा विपक्ष जो है वो छींटाकशी करता है जी। रवि जी, लेकिन हम भी यही चाहते हैं जो राजनीति हो वो कम से कम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हो, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें प्रदेश में जी। इस मामले में मैं तो विपक्षियों से भी कहूंगा, विपक्षी पार्टी के लोगों से, कि इस घटना की निंदा करें, और हमें जितना बन पड़े हम इस बात पर ध्यान दें कि महिलाओं की सुरक्षा सड़कों पर भी जरूरी है और घर में भी जरूरी है, बच्चों को, महिलाओं को और बालिकाओं को जितना ज्यादा हम बढ़ावा देंगे उससे इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि उनको बराबर का दर्जा मिलेगा और वो हमारे कदम से कदम मिला के चलेंगी। बिल्कुल कृष्णमूर्ति जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या निंदा करने से सिर्फ जो मामला है वो दब जाएगा या आगे ऐसे मामले नहीं आएंगे, इसकी पुष्टि हो सकती है? कृष्णमूर्ति जी, सुन रहे हैं आप हमें? हाँ सुन रहा हूँ जी मैं। कृष्णमूर्ति जी, क्या कहना चाहेंगे, रवि जी का ये कहना कि निंदनीय मामला है, हम यही उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी ये कहे, लेकिन सिर्फ निंदा करने से क्या इस तरह के जो मामले हैं वो दब जाएंगे, जो सवाल हैं बार बार सामने नहीं आएंगे? देखिए जितनी थोड़े समय में ये सरकार लोकप्रिय हुई है जी, जितना कम समय में ये सरकार बदनाम हो गई, आज हर वर्ग इनसे नफरत कर रहा है जी, आज इनके काबू कुछ भी नहीं आ रहा, ना किसानों की समस्याएं इनसे का समाधान हो रहा है, ना खाद का सही ढंग से वितरण हो रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। जब ये सारी चीजें नहीं हो रही तो ये दूसरा महिलाओं की सुरक्षा भी करने में ये सरकार विफल रही है,
तो मैं समझता हूं कि इनका कोई अनुभव नहीं है, जिसकी वजह से ये मामले सारे खराब हुए पड़े हैं। और ढाई महीने पौने तीन महीने में जो जिस प्रकार से सरकार बदनाम हुई है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रवि जी, क्या माना जाए, क्या महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार कुछ और नया लाएगी, क्योंकि योजनाएं तमाम कर दी जाती हैं, घोषणाएं तमाम होती हैं, लेकिन अगर अगर हकीकत की यहां बात की जाए, हकीकत अब सबके सामने है कि प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। देखिए मोदी जी, हमने बताया ना, शुरुआत हो चुकी है महिलाओं को बराबर का दर्जा देने की। ये मोदी जी ने जो शुरुआत की है और ये बड़े जोर शोर से ये अभियान चलेगा और ये अभियान रुकना नहीं है। रही दूसरी बात है, आप सख्ती से आदेश दे दिए गए हैं और अधिकारियों को ये कह दिया गया है कि अधिकारियों को ये बोला गया है कि भाई जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई और आगे से इस तरह की घटना ना हो जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार की बात हुई है। दूसरी बात है किसानों की समस्या की, पानी का समान बंटवारा हो गया है, जाहिर तौर पर तमाम समस्याएं जो है वो बनी हुई, लेकिन एक अहम मुद्दा महिला सुरक्षा का हम उम्मीद यही करते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वो स्थिति जल्द नजर आए, जो शुरुआत है वो हो चुकी है। बहरहाल रवि जी और कृष्णमूर्ति होटल जी, आप दोनों हमारे साथ यहाँ फोन लाइन पर बने रहिए, क्योंकि स्पेशल रिपोर्ट में यहाँ थोचला एक छोटे से ब्रेक का। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, एडवांस्ड कोर्सेज, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ये संसद है, देश की हुकूमत को हुक्मरान यहीं से चलाते हैं। इसी संसद ने गणतंत्र के 66 साल भी देखे। गणतंत्र के इन्हीं 66 सालों पर गणतंत्र दिवस पर देखिए हमारी खास पेश पर 66 बरस का गणतंत्र। खबरों की आपाधापी में झूठ न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी हो, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर, हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। तो
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं? जी हाँ, हम इस ये सवाल जो है ये उठ चुका है। दरअसल बहादुरगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। कल की अगर बात की जाए तो पानीपत में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये देशवासियों को शपथ दिलाई कि बेटी बचाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा भी करेंगे, मानसिकता में बदलाव लाएंगे। लेकिन वहीं से आपको बता दें, पानीपत से ही जो आशा वर्कर हैं बहादुरगढ़ से पहुंची थी पानीपत, और जब पानीपत से वो चली बहादुरगढ़ के लिए तो इसी बीच जिस बस में थी उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने इनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, और उसके बाद लगातार ये महिलाएं हेल्पलाइन और पुलिस का नंबर मिलाती नहीं, डायल करती रहीं, लेकिन कोई भी सुनवाई इन महिलाओं की नहीं हुई। हालांकि अब जाकर जो अगर बात की जाए, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? हमारे साथ बीजेपी से रवि भान जी और कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी दोनों फोनलाइन पर बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार जो है कहीं ना कहीं अनुभवहीन है, अधिकारियों की अगर बात की जाए, जो सिस्टम की अगर बात की जाए, सिस्टम तैयार किया गया प्रदेशवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा की बात कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिस्टम ही खोखला नजर आ रहा है। सिर्फ फोन उठा लेने से, बात कहने से, आश्वासन देने से शायद जो कार्रवाई है वो नहीं होती, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। देखिए, हमारे पे ऊपर आरोप लगा के ये सरकार कब तक बचती रहेगी? जी, सरकार को 3 महीने होने वाले हैं, अब सरकार को कुछ करके दिखाना चाहिए लोगों को जी। लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है, इसलिए लोगों में मायूसी है। और आम आदमी ने जितने उत्साह से भाजपा को वोट दिया था, उतने आज निराश हैं लोग जी। तो इस सरकार को काम करना चाहिए, इनको सख्ती करनी चाहिए, इस प्रकार की घटनाएं जाके आगे भविष्य में ना घट सके। बिल्कुल। लेकिन कृष्णमूर्ति जी, अगर बात की जाए पिछली सरकार की, यानी हुड्डा सरकार के कार्यकाल की जाए, तब भी जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है एक अहम मुद्दा रहा था, ज्वलंत मुद्दा रहा था उस समय भी, लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई की जी। हमने उसी वक्त कार्रवाई की और रोकने की बहुत भरसक प्रयास किए, रोका बहुत आज तक जी। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार है उसने ढिलाई बरती, लेकिन कृष्णमूर्ति जी का ये कहना है हमने कोशिश की थी, लेकिन जो नई सरकार है उसके पास अनुभव की कमी है और वो उतना भी नहीं कर पा रही। तो फिलहाल रवि जी से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा, लेकिन महिला सुरक्षा का जो मुद्दा अगर बात की जाए, एक अहम मुद्दा, और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, एक बार फिर से ये सवाल उठाने को मजबूर इस घटना ने कर दिया है कि आखिर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन क्या माना जाए, क्या जिस तरीके से अभी तक का कार्यकाल देखा जाए, 2.5 महीने का 3 महीने का, इसमें जो सरकार है व्यवस्था परिवर्तन कर सकती थी, एक नई व्यवस्था दे सकती थी प्रदेशवासियों को? देखिए, कोई कुछ नहीं किया, उन्होंने इनको पता ही नहीं कि करना क्या है, हमारी हमारे हमारे ड्यूटी क्या है। हमने इनको तो एकदम से अजीब सा लग रहा है जी। आज सरकारी अधिकारी इनके सामने खड़े होते हैं, ये सोचते हैं पता नहीं इन्होंने कभी आज तक सिपाही ने तो इनको कभी सलाम नहीं किया, डीजीपी इनको सलाम कर रहे हैं, तो ये खुद घबराए हुए हैं, बुखलाए हुए हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो इनको ये इनका अनुभव नहीं है किसी प्रकार का, इनको इनको सीख लेनी चाहिए और इनको करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। एक्ट नहीं करेंगे तो लोगों को बड़ी परेशानी होगी। जिस प्रकार से मोदी जी ने कल लंबे चौड़े मोदी जी शब्दों की बाजीगरी उनके पास है, वो शब्दों के उसमें चक्कर में लोगों को उलझा लेते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते। इन्होंने जितने भी वायदे किए मोदी जी ने, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, और ना ही मौजूदा सरकार ने जितने वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा करने की ओर अग्रसर नहीं है। तो इनको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो लोग इनको अगली बार इनका जी जाहिर तौर पर जो हकीकत है कुछ और ही नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार पर भी आरोप लगते हैं, जो कथनी है वो अलग, जो करनी है वो अलग, क्योंकि दावे तमाम यहां किए जाते हैं महिला सुरक्षा के, लेकिन इन दावों की जो हकीकत है वो सामने आ चुकी है। बहादुरगढ़ से पूरी घटना सामने आई जिसने ना सिर्फ जो सिस्टम है उसकी पोल खोली है, बल्कि सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल लगातार ये बना हुआ है, आखिर प्रदेश में महिलाएं कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और कब तक ये महिलाएं इसी तरह असुरक्षित रहेंगी प्रदेश में। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।